नमस्कार, मैं हूं वंदा शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। मेड इन चाइना वाले मोबाइल्स को बेचने के लिए कंपनियों ने नया तरीका निकाला है। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। वहीं जो कंपनियां मेड इन चाइना का रुतबा दिखाकर कारोबार कर रही थी, वही कंपनियां अब मेक इन इंडिया का राग गा रही हैं। आपको बता दें कि भारत में चीनी प्रोडक्ट के विरोध में शुरू हुए माहौल में शाओमी ने एमआई ब्रांड स्टोर के बाहर मेड इन इंडिया का बैनर लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कई अन्य कंपनियां भी शाओमी के नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को भारत की कंपनी बताने की कोशिश में जुटी हुई हैं। चीन विरोध के कारण कारोबार पर पड़ते असर से परेशान चीनी कंपनियों में काफी हलचल है और इसी कारण चीनी कंपनी शाओमी ने प्रदेश भर के एमआई ब्रांड स्टोर पर तिरंगे के साथ मेड इन इंडिया लिखने का फैसला लिया है। यही नहीं, कंपनी ने ये भी कहा कि हमारा अधिकतर सामान भारत में बनता है, हम फैक्ट्री में हजारों भारतीयों को रोजगार देते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी पूंजियों को जोड़कर मोबाइल बना रही चीन की कई कंपनियों ने भारतीय होने का दावा भी झोंका है। इनका कहना है कि हम तो पहले से ही अपने उत्पाद पर मेड इन इंडिया की मुहर चस्पा कर रही है। वहीं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज जौहर बताते हैं कि चीन की सभी मोबाइल कंपनियों को जमीनी सच्चाई से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा गया था। साथ ही ताजा हालात को देखते हुए रिटेलरों को कुछ महीनों के लिए स्टोर के बाहर का बोर्ड हटा लेने या किसी बैनर से ढकने की मांग भी रखी गई थी। इसके बाद ही कई कंपनियों ने भारतीय होने का दावा किया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का